न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह कभी एक ही कष्टी के खेवन हार रहे हैं और एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह भाजपाई हुए तो दोनों के रिश्ते भी तल्ख हो चुके हैं। बता दें रविवार को दोनों आमने सामने हुए तो तीखा संवाद भी शुरू हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने इस पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन एमएलसी ने फेसबुक अकाउंट पर कहासुनी शेयर कर दिया है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर टर्मिनल 2 से लखनऊ के लिए रविवार को शाम इंडिगो की फ्लाइट जानी थी और फेसबुक पर एमएलसी दिनेश सिंह ने लिखा है कि वे एग्जिट रो की 19C सीट पर बैठे थे और उनके बगल में 19B सीट पर एक बुजुर्ग बैठा था। एमएलसी ने लिखा है कि बुजुर्ग उन्हें बीमार लगा और प्लेन की बोर्डिंग लगभग पूरी होने वाली थी, ये मानकर वे बुजुर्ग को राहत देने के लिए खाली पड़ी 19D सीट पर बैठ गए थे। उन्होंने लिखा है कि कुछ देर में प्रियंका गांधी वाड्रा और बोली कि ये सीट मेरी है। वहीं एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया है, उन्होंने प्रियंका को प्रणाम करके बगल की सीट पर जाने के लिए कहा, तभी प्रियंका ने गुस्से में कहा कि इतनी जल्दी हमारी सीट ले पाओगे। इस पर एमएलसी ने जवाब दिया है कि आपकी सीट खतरे में है, ये यही क्या कम है। इसके बाद मैं अपनी सीट पर बैठ गया। इतने में जहाज की परिचारिका और बुजुर्ग को सहारा देकर आगे की खाली सीट में बैठा दिया गया। इसे मुझे लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैं तो एक सामान्य किसान का बेटा हूं और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं, जबकि प्रियंका देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर घराने की सदस्य और एक राष्ट्रीय पार्टी की सर्वेसर्वा है और उनका आचरण ऐसा होगा मुझे यकीन नहीं था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SBN 9 न्यूज के साथ।